एक ऐसा इंसान जिसने अपने सर पे 175 करोड़ की डायमंड लगवाई है। और क्या आपको पता है कि फोन का कैमरा हमेशा लेफ्ट में ही क्यों होता है। एक ऐसा गांव जहां आज तक बारिश नहीं हुई है। और आज मैं आपको एक व्यक्ति की कहानी बताऊंगा जो केबीसी जीतने के बाद भी कंगाल ही रहा। तो बने रहना वीडियो के एंड तक इन सब राज को जानने के लिए। नंबर 20, पैसा हर चीज का सोल्यूशन नहीं होता। ये बात आपने बहुत सी जगह पे सुनी होगी, पर असलियत में क्या है ये हम जानते हैं। पर पैसा मिलने के बाद कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं जो कंगाल ही रहते हैं, जैसे कि मिले सुशील कुमार से। ये हैं केबीसी के जैकपॉट क्वेश्चन के विनर, जिन्होंने 5 करोड़ का चेक अपने नाम किया था। पर केबीसी से जाने के बाद उन्होंने कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया बिना बैकग्राउंड जाने, और कुछ पैसे अपने दोस्तों को दिए जो उन्होंने कभी भी नहीं लौटाए। और सेविंग करने की जगह इन्होंने बाकी सारे पैसे उड़ा दिए और आज ये गाय का दूध बेचते हैं। और कौन मानेगा कि ये केबीसी भी जीते थे। तो हमेशा याद रखना कि पैसों को कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 19, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये है कॉमेट 67P, और इसके नीचे जो एरो दिखा रहा है वो है लॉस एंजलिस। और आप यहाँ देख सकते हो कि कॉमेट 67P लॉस एंजलिस के मुकाबले कितना ज्यादा बड़ा है। और लॉस एंजलिस भी दिखने में इतना छोटा नहीं है, लेकिन इस कॉमेट के सामने ये भी छोटा दिखने लगा। नंबर 18, ये फैक्ट काफी ज्यादा कमाल का है। 1965 में एक लड़का था जिसका नाम था रॉजर, और वो एक बीच के पास तैर रहा था। उतने में ही एक बड़ी वेव आती है और उसे डुबा देती है, पर बड़ी मेहनत करके वहाँ के लाइफगार्ड एलिस ब्लेज उसे बचा लेती है। और फिर रॉजर ठान लेता है कि वो भी लाइफगार्ड बनेगा, और वो 8 साल बाद लाइफगार्ड बन गया। और एक्सपीरियंस के लिए वो उसी बीच पे काम करने लगा। और वो इंसिडेंट के 9 साल बाद वो एक बुजुर्ग आदमी को बचाता है, और बाद में उसको पता चलता है कि सरप्राइजिंगली वो आदमी एलिस का पति होता है। तो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। नंबर 17, आप यकीन नहीं करोगे पर ये सच है कि ओरियो जो है उसने अपना पर्सनल प्राइवेट एस्टेरॉयड प्रूफ बंकर बनाया है, जिसके अंदर ओरियो की सीक्रेट रेसिपी है। और कई टन ओरियो भी फ्रीज करके रखे गए हैं, इन केस अगर एपोकैलिप्स आता है तो फ्यूचर जनरेशन भी उस ओरियो को खा पाए। नंबर 16, अगर आपका कोई एक लो एंड फोन है तो आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई गेम खेलते हो या कोई ज्यादा पावर वाली चीज करते हो तो आपका फोन फ्रीज हो जाता है, यानी कि हैंग हो जाता है। तो जब भी आपका फोन फ्रीज हो जाए तब आपको फोन को चार्ज करने लगा देना है, ये वर्क करने लगेगा। नंबर 15, क्या आपने कभी भी आइंस्टाइन की आखिरी फोटो देखी है? शायद नहीं देखी होगी, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप फोटो देख रहे हो ये है आइंस्टाइन की डेथ के पहले की फोटो, और इसके बाद इन्होंने एक भी फोटो नहीं ली थी। अब इसे देखिए, ये है निकोला टेस्ला की आखिरी फोटो, उनके डेथ के थोड़े देर वक्त पहले की। वो भी काफी ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, बस उनका नाम थॉमस एडिसन ने चुरा लिया था। नंबर 14, अगर आप कोई भी मॉल जाते हो तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि वहाँ पर होती हैं 10,000 की चीजें, और उसके बाद जो होती हैं वो थोड़ी सस्ती वाली, और जो 10,000 की चीजें होती हैं उसका प्राइस वो 7500 कर देते हैं, और देखते हैं कि 2500 आपके पास बचे हैं, पर असलियत में आपने 7500 खर्च किए हैं। तो अगली बार ऐसे ट्रैप में मत पड़ना, क्योंकि ये उनकी ट्रिक होती है महंगी चीजों को बिकवाने की। नंबर 13, कलामा नाम का एक विलेज है, और यहाँ 1501 से आज तक एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। ये 400 साल से भी ज्यादा है, और अगर ये सच है तो ये इस प्लेनेट का सबसे ज्यादा ड्राई स्पॉट है। नंबर 12, आज तक आपने जितने भी बार्स के बारे में सुना होगा उसमें आपको ड्रिंक्स पीने को मिलती होंगी, पर लंदन में जो वॉकिंग क्लाउड बार है यहाँ आप वोडका और कई अलग अलग कॉकटेल को सिप करने की जगह उसे इनहेल करते हो। ये असल में वेपोराइज ड्रिंक बेचते हैं जिसमें आपको वहाँ पीना नहीं, आपको बस सूंघना होता है। नंबर 11, एनर्जी ड्रिंक्स बॉडी को काफी एनर्जी देते हैं, पर क्या आपको पता है कि एनर्जी ड्रिंक्स ज्यादा पीने से आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक चूहे को माउंटेड ड्यू के अंदर 1 महीने तक रखो तो वो चूहा पिघल जाएगा, पूरी तरीके से वो गायब हो जाएगा। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माउंटेन ड्यू और दूसरे कई एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर साइट्रिक एसिड होता है जो आपके मसल्स को पिघला भी सकता है। नंबर 10, इंडिया में अगर कहीं भी मोल्स यानी तिल होते हैं तो लोग उसका मतलब बनाते हैं, और कई तिल का तो नाम भी होता है, जैसे कि ब्यूटी मार्क। अब ये सच है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर मुझे एक कमाल का फैक्ट पता है कि साल 1880s में ये फैशन चला था, या कहूँ ट्रेंड चला था, जिसमें लोग फेक मोल्स यानी तिल अपने फेस पर लगाते थे जो कि लेदर या वेलवेट का बना होता था, और लोगों को लगता था कि ऐसा करने से ये खूबसूरत दिखेंगे। नंबर 9, अगर आपको छोटी सी खांसी या फिर जुकाम हो तो आप कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, और थोड़ी छोटी मोटी बीमारी पे आप डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करोगे। पर क्या आपको पता है, इंसानों की यही एटीट्यूड के वजह से हर साल 400,000 लोग ऐसी बीमारी से मरते हैं जिसका इलाज आसानी से हो सकता था, और इसमें 10% मजबूरी की वजह से हैं, और 90% इस एटीट्यूड की वजह से मर जाते हैं। नंबर 8, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेनड्रॉप का शेप क्या होता है तो आप शायद कहोगे स्फेरिकल या टीयर ड्रॉप जैसा, पर असल में रेनड्रॉप का शेप बर्गर के बन जैसा होता है, और जब वो जमीन पर टच होता है तब वो पूरा फ्लैट होता है। अगर ये फैक्ट आपने पहली बार सुना है तो वीडियो को लाइक जरूर
जरूर कर देना। नंबर 7, 2010 में एक बिटकॉइन की कीमत करीब 5 रुपए थी। तब सबको बिटकॉइन वेस्ट लगता था और एक आदमी था जिसके पास कुछ पैसे थे, तो उसने उसे बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया करीब 7,000 रुपए। और फिर कुछ ना मिलने पे उसने उस हार्ड ड्राइव को जिसमें बिटकॉइंस थे उसे फेंक दिया और आज एक बिटकॉइन की कीमत 15 लाख रुपए है। और अगर वो उन बिटकॉइन को रखता तो आज वो बिलियनेयर होता। उस आदमी ने हार्ड ड्राइव को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसे नहीं मिली। और उस आदमी का नाम था जेम्स हॉवेल्स, जो कि आईटी वर्कर था यूएसए में। नंबर 6, आपको जब भी कोई फोन करता है तो सबसे पहला वर्ड जो आप बोलते होंगे वो होगा हेलो। पर क्या आपको पता है कि जिसने टेलीफोन बनाया था यानी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, उन्होंने टेलीफोन ग्रीटिंग्स अहोय रखा था, पर उनके जो राइवल थे यानी थॉमस एडिसन, उन्होंने हेलो को वोट किया और सबने उनको फॉलो किया। और तो और हेलो शब्द भी थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। नंबर 5, वुमेन्स जो होती हैं वो मेन से कई ज्यादा टॉकेटिव होती हैं। और इसका एक बार सर्वे लिया गया था और उसमें एवरेज दिन में एक आदमी 12,500 वर्ड्स बोलता है और एक औरत पूरे दिन में 25,500 वर्ड्स बोलती हैं। नंबर 4, बाटा कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस फुटवेयर कंपनी है, खासकर जो बच्चे स्कूल जाते हैं। और इसी वजह से कई लोगों को ऐसा लगता है कि बाटा एक इंडियन ब्रांड है, जो कि गलत है। बाटा दरअसल एक स्विट्जरलैंड की फुटवेयर कंपनी है जो स्विट्जरलैंड से ज्यादा इंडिया में फेमस है। नंबर 3, 2020 एक काफी ज्यादा बुरा ईयर था पूरे वर्ल्ड के लिए, पर 2020 में चेन्नई में रहने वाले 25 साल के एक लड़के ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा 6 रूबिक क्यूब्स 2.17 मिनट्स के अंदर सॉल्व करके, वो भी अंडर वाटर। और यहां हम जो कि एक रूबिक क्यूब सॉल्व नहीं कर पाते हैं पानी में, तो पूछो ही मत। नंबर 2, आपके हाथ में अभी फोन होगा क्योंकि उसके बिना आप वीडियो कैसे देखोगे। तो आप अभी देखिए कि आपका बैक कैमरा बीच में होगा या फिर राइट में, पर कभी भी आपका कैमरा लेफ्ट में नहीं होगा। तो ऐसा क्यों, यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला रीजन है ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसानों को जो चीज राइट से लेफ्ट जाती है वही सही लगती है। जैसा कि आपने गेम में देखा होगा, कैरेक्टर हमेशा राइट टू लेफ्ट ही जाता है, इसलिए हमें राइट साइड हमेशा सही लगती है और ऐसे आप अच्छे से फोटो भी खींच पाते हैं। और सेकेंड रीजन है, लेफ्ट साइड में इनबिल्ट स्पीकर आता है और वहां से ही हमें पकड़ना जमता है और इसलिए कैमरा राइट में ही होता है। नंबर 1, आपने मार्वल के कैरेक्टर विजन को तो देखा ही होगा, जिसके सर पे जेम स्टोन लगी होती है। पर क्या आपने रियल लाइफ में कभी ऐसा देखा है? तो मिलिए लिल विज वर्ड से, ये एक अमेरिकन रैपर है। इन्होंने 5, 10 या 50 नहीं बल्कि 175 करोड़ की 11 कैरेट का पिंक डायमंड अपने सर पे इम्प्लांट करवाया है और ये काफी शौकीन है। इन्होंने पहले से ही अपने फेस पे टैटू और पियर्सिंग करवाई हुई है और इनका पैसों को खर्च करने का तरीका काफी यूनिक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर देना। और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करना मत भूलना, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।